तो हर हफ्ते रॉ बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन इन कमिंग वीक्स WWE रॉ की पूरी लैंडस्केप भी चेंज करने वाला है। और रसल मेने के बाद फिंड अचानक से फिर से कहा गायब हो गए, और WWE 2K22 में किसका कवर फोटो इस बार लगेगा, और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो हर हफ्ते हम देखते हैं कि स्मैकडाउन हो या NXT, सभी एक बढ़िया बढ़िया शो देते हैं, लेकिन रॉ किसी न किसी मामले में उससे पीछे छूट जाते हैं, और रॉ की हर हफ्ते एक बोरिंग शो दिए जाती है। लेकिन इन कमिंग वीक्स रॉ में हमें बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, और रॉ का पूरा लैंडस्केप भी चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर, WWE प्लान कर रही है कि रॉ पे जितने भी न्यू कमर सुपरस्टार है उनको एक बड़ा पुश दिया जाए, लाइक रेंडी ऑर्टन और एज स्टाइल, और उनका स्टार्ट करना चाहते हैं डेमियन प्रिस्ट एंड एलिस्टर ब्लैक के साथ। लेकिन आपको तो लगा होगा कि एलिस्टर ब्लैक तो स्मैकडाउन में, तो उनका जिक्र रॉ पे क्यों हो रहा है? लेकिन अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर, एलिस्टर ब्लैक बहुत जल्दी हमें रॉ पे आते हुए दिखेंगे, और एलिस्टर ब्लैक एंड डेमियन प्रिस्ट दोनों को एक बिग पुश दिया जाएगा, जैसे रेंडी ऑर्टन एंड एज स्टाइल को हमेशा दिया जाता है। और वो चाहते हैं कि WWE अब कुछ न्यू फेसेस के यहाँ पे प्लान करे फॉर इज फ्यूचर। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्या रिसेंट वीक्स में यहाँ पे डेमियन प्रिस्ट एंड एलिस्टर ब्लैक को उतना बड़ा पुश मिलता है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं द गोट क्रिस जेरिको के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर, क्रिस जेरिको की एल्बो पे अभी भी चोट लगी हुई है आफ्टर द ब्लड एंड गट्स फॉल। तो उन्होंने जब केस से जाम मारा था, हम लोगों को लगा था कि क्रिस जेरिको कुछ इंजर्ड नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर क्रिस जेरिको बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं अपने एल्बो में, और उसके वजह से वो लगभग 4 to 6 वीक्स रिंग से बाहर हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि मई के एंड में यहाँ पर AEW का जो पेपर व्यू है डबल एंड नथिंग ओ है, और वहाँ पे स्टेडियम स्टैम्पेड मैच हो सकते हैं पिनाकल एंड इनर सर्कल के बीच में फिर से एक बार, और उसमें क्रिस जेरिको तो ज़रूर होंगे। तब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्या क्रिस जेरिको इस मैच में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं फिंड के बारे में। तो आफ्टर रसलमेनिया 37 फिंड हमें दिखे ही नहीं कहीं पे भी, और ना ही वो स्मैकडाउन में आए, ना ही वो रॉ पे आए, मतलब फिंड पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पर फाइटफुल ने एक रिपोर्ट में बताया कि फिंड यहाँ पे WWE से कुछ टाइम ऑफ लिए है, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज है आफ्टर बॉडी लीज डेथ, मतलब वो पूरा मेंटली ब्रोक डाउन हो चुके हैं आफ्टर हिज फ्रेंड बॉडी ली की डेथ के बाद, और इसीलिए रसलमेनिया 37 का जो ओरिजिनली विनर था वो फिंड को चुना गया था, लेकिन एंड मोमेंट पे यहाँ पे रेंडी ऑर्टन के यहाँ पे विन करवा दिया गया वो मैच, क्योंकि फिंड वहाँ पर थोड़ा टाइम ऑफ चल रही थी अपनी मेंटल इश्यूज की वजह से। तो मुझे लग गया समर स्लैम से पहले यहाँ पे फिंड तो ज़रूर आ जाएंगे, तो देखते हमारे फिंड कब वापस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ेलिना वेगा के बारे में। तो यहाँ पर ज़ेलिना वेगा को इस हफ्ते WWE में देखा गया था, और कुछ फिल्मिंग की वजह से वो आई थी WWE में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि ज़ेलिना वेगा को बहुत जल्दी WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाले हैं, ताकि वो किसी और प्रमोशन में ना जाए। तो यहाँ पर देखते इन कमिंग वीक्स क्या ज़ेलिना वेगा वापस आते हैं WWE में या नहीं। इसके अलावा आंड्राडे अभी भी जिस करेंट सिचुएशन में, उनका रूमर्स यही है कि वो अभी AEW के साथ इन टॉक्स है, मतलब AEW के साथ उनका बातचीत चल रहा है, और अगर वो सेटलमेंट होती है दोनों पार्टी तो आंड्राडे बहुत जल्दी हमें AEW में दिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं WWE 2K22 के कवर फोटो के बारे में। तो यहाँ पर रिसेंटली एक रूमर आया है कि WWE 2K22 के इस साल के कवर फोटो में हमें फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर फीचर होते हुए दिखेंगे, जो कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट टो यार तो हमें देखा था कि WWE 2K21 यहाँ पर हुआ ही नहीं। तो 2K22 में मुझे लगता है ड्रू मैकइंटायर परफेक्ट यहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो देखते क्या ड्रू मैकइंटायर बन पाते WWE 2K22 के कवर फोटो में। तो यही तक थी आज की वीडियो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।